मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर साहिब जादव एवं माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित साहिब जादा दिवस के अवसर पर बोल रहे थे कि इस दौरान उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में सिख कौम अपनी पुरुषार्थ के लिए जाना जाता है। भारत को गुलाम बनाने की मंशा और भारत को इस्लाम में बदलने की मंशा से जो आए थे, आज उनका नाम और निशान मिट गया है। भारत की गुरु परंपरा सामान्य परंपरा नहीं, एक दिव्य परंपरा है। अपने इतिहास को विस्तृत करने का कोई भी अपने उज्जवल भविष्य को आगे नहीं बढ़ा सकता। सभा में प्रतापगढ़ जनपद में है तो स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं आपके उन पूर्वजों को हृदय से नमन करता हूं जिन्होंने प्रतापगढ़ को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि तो महत्वपूर्ण बनाया ही, लेकिन जिन्होंने आंवले के खेती के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रतापगढ़ जनपद को एक नई पहचान भी दी। और हमारी सरकार ने आंवले को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ जनपद के साथ जोड़ते हुए पूरे प्रतापगढ़ की इस पहचान को दुनिया के मंच पर ले जाने, उसके माध्यम से रोजगार का सृजन करने और अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित हो, यहां पर खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित हो, इसके लिए एक बृहद योजना को आगे बढ़ाया है। पिछले 20 महीनों से पूरी दुनिया तबाह है कोरोना से, और कोरोना ने प्रधानमंत्री जी का मंत्र था जीवन भी बचाना है, जीविका को भी बचाना है, और हम लोगों ने उसी दिशा में प्रयास किया है। लेकिन भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, और आपने प्रतापगढ़ जनपद में जो पहचान दी है इसको देश और दुनिया के सामने लाना, ये मंच पर हमारे मंत्री और मामला रायबरेली के उचाहार थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली नेहा पाठक ने गांव के ही पास अपनी क्लिनिक चलाने वाले छोला छाप डॉक्टर संगम मिश्रा, उनके भांजे नीरज और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है कि ये लोग आए दिन उनके साथ छेड़खानी करते रहते हैं, जिसका विरोध करने पर उसे और उसके भाई दुर्गेश और पिता दिनेश पाठक को बुरी तरह से पीटा गया। छात्रा का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, वहीं उसके पिता दिनेश पाठक का कहना है कि हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया। अभी मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है। ये क्या नाम है? दिनेश कुमार पाठक। क्या मामला हुआ है? मामला ऐसा था सर कि मेरा लड़का नहा धो के घर पे बैठा था और दिल्ली से 6 गुंडा डॉक्टर ने बुलाया जो मेरे चौराहे पे, और धोखे से मेरे लड़के को फोन किया, और मेरा लड़का और सतीश नाम का एक हरिजन है वो दोनों गए, दोनों को बुलाए, और जैसे वो लोग पहुंचे वहाँ पे चौराहे पे 6 जो बाहरी गुंडा थे मिलकर मारने लगे। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम संगम मिश्रा। थाने में एफआईआर दिया तुमने? अभी नहीं सर, तब तक तो इतना इसका तबीयत खराब हो गई कि बेहोश हो गया, तो मैं यहाँ लेके आ गया। कितने बजे की बात है? और इसके बाद जब हम तो घर पे थे भी नहीं साहब, मैं थोड़ा दूर था और बेटी ये थी, ये भाग के गई, तो पहले इसको 6 मिलकर मारे, और इसको साहब एक और ये 6 लड़के डेली ये कोचिंग करती है कंप्यूटर क्लास से CCC की, जब घर से निकलती है तो लोग अक्सर उमरन से और परसीपुर चौराहे पे आज 1 महीना से छेड़छाड़ कर रहे थे। क्या नाम है जो मारा है? नीरज का। क्या नाम है? संगम। संगम और उनके मामा का नाम है? नीरज मिश्रा। बहुत बिकट मारा। कितने बजे की बात है ये? फरुखाबाद काशगंज एक्सप्रेसवे पर चलती ट्रेन में लगी आग। खबर फरुखाबाद की है, जहां फरुखाबाद काशगंज एक्सप्रेसवे पर बनी वर्निंग ट्रेन में चलती ट्रेन में आग लग गई। वहीं आग लगने से सवारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ट्रेन की बोगी से कूदकर यात्रियों ने जान बचाई। 3 घंटे तक धू धू कर चलती रही बोगी को आग लगने से पूरी तरह से जल गई। बता दें कि रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा के दावे धरे के धरे रह गए। ट्रेन में किसी भी तरह की आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए गए थे। वहीं ट्रेन चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के समय से रोक दी गई थी ट्रेन, वहीं मौके पर पुलिस और प्रशासन के जिला और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बाल्टी और नोन रहे थे जो बाल्टी रहता हो तो अरे गाड़ी जो बहुत है वो पानी का काम नहीं कर रहा, ट्रेनर टंगी आई है।